अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अलाउ होते हैं और किस सब्जेक्ट में कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं, वो हम किस तरह से जान सकते हैं, ये डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं हम सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन की तरफ। गूगल पर आपने VU अलाउड सॉफ्टवेयर लिखना है तो सबसे पहले जो फाइल आएगी उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर वन पे ही आपको नज़र आ रहा है कि आपको अलाउड सॉफ्टवेयर भी लिखे गए हैं और उसके बाद में जौन से सॉफ्टवेयर नहीं अलाउ वो भी लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है कि अपार्ट फ्रॉम अबव नो अदर सॉफ्टवेयर इज़ अलाउड। तो आपके जौन से रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि ये BIT 701 है, इसमें जो आपको अलाउड है सब्जेक्ट वो आपको MS ऑफिस अलाउ है और माइक्रोसॉफ्ट पेंट अलाउ है। ठीक है, और जो नहीं है वो आपको कैलकुलेटर भी आपको अलाउ नहीं है और ये जो तीनों सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं ये भी आपको अलाउ नहीं है। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले CS 101 की डिटेल की तरफ चलते हैं क्योंकि वो अक्सर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। जी, आपके सामने शो हो रहा है CS 101 में आपको जो MS ऑफिस ही अलाउ है, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, आपको पेपर शुरू करते वक्त आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, पर मेरा आपको पहले बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी करके जाएं और उन सॉफ्टवेयर पे अपनी ग्रिप जो है वो अच्छी करके जाएं। MS ऑफिस तो आपको लाजमी आना चाहिए, MS वर्ड ख़ास तौर पे, क्योंकि उस पर आपने आंसर जो है वो टाइप करना होता है और उधर से आपने कॉपी करके उसको पेस्ट करना होता है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे आपकी गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो काइंडली इसको प्रिपेयर करें। पेपर्स आपके बहुत करीब हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कैलकुलेटर अलाउ है और कुछ में नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। CS 101 के साथ बाकी भी तमाम जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तमाम डिटेल लिखी गई हैं, आप अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद में देखें जैसे कि ECO 401, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल आ रही है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से आपके इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करते रहें तो आपके ये एजुकेशन के आ गए हैं और आप इंग्लिश के आ गए हैं। ये देखिए, इंग्लिश में आपको ENG 101 में या ये सारे इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलाउ है। ठीक है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से आप तमाम जो है अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। CS 101 के साथ बाकी भी तमाम जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तमाम डिटेल लिखी गई हैं, आप अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद में देखें जैसे कि ECO 401, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल आ रही है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से आपके इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करते रहें तो आपके ये एजुकेशन के आ गए हैं और आप इंग्लिश के आ गए हैं। ये देखिए, इंग्लिश में आपको ENG 101 में या ये सारे इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलाउ है। ठीक है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से आप तमाम जो है अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं और उनको उसके मुताबिक प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स को कहा था कि अपने जो MS ऑफिस को लाजमी प्रिपेयर करें, ख़ास तौर पे MS वर्ड को, क्योंकि आपने जो अपना आंसर है वो MS वर्ड पे ही लिखना होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।